నమస్కారం ఎన్ఐ న్యూస్ కు స్వాగతం జమైతే ఉలేమా యే హింద్ వికారాబాద్ జిల్లా ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ పండుగను పురస్కరించుకుని శనివారం నూట యాభై మందికి పైగా ఉలేమా హఫీజ్ ఇమాం మొయాజిన్లకు ఈద్ కిట్లు బట్టలను పంపిణీ చేశారు రాబోయే ఈద్ సందర్భంగా జమైతే ఉలేమా యే హింద్ వికారాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షుడు మౌలానా మహమ్మద్ అబ్దుల్లా అజార్ సాహిబ్ ఖాస్మీ పర్యవేక్షణలో తాండూర్ పట్టణం పలు గ్రామాలలో నూట యాభై మందికి పైగా ఉలేమా హఫీజ్ ఇమాం మొయీజిన్లకు ఈద్ కిట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని వర్గాలకు చెందిన ఇమాములు ము పలు గ్రామాల నుంచి ఇమాం దైవ సేవకులు సేవలు చేయడానికి ముందంజలో హాజరయ్యారు జమ్మైతే ఉలేమా ఎహింద్ వికారాబాద్ జిల్లా సహకారం అందించి శ్రీ అభిలాషులకు దైవజనులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు بسم اللہ الرحمن बसमरिम ونصلي على رسوله الكريم اما بعد आज आख़िर अशरे की तीसरी ताक़रात है अल्लाह का फज़ल है कि मुसलमानों ने तक़रीबन रमज़ान गुज़ारा और अल्लाह का फजल है कि जितना मुमकिन हो सका हमने इबादतें भी की अभी बचा हुआ रमज़ान है मुसलमानों से गुजारिश है कि अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी न्यामत है रमज़ान उसकी खूब कदर करें और ताकरातों का ख़ास अहतमाम करें पूरी दुनिया कोरोना के महामारी से जूझ रही है जिसमें सबसे बड़ा असर मुसलमानों की इबादत की तरह मजहबी कामों की तरह मालिया पर बहुत बड़ा पड़ा है बिजनेस बहुत सौंक मुतासर हुए हैं तकरीब साल डेढ़ साल से खूस मिडल क्लास के लोग बहुत परेशान हैं इसीलिए मुसलमानों से गुजारिश है कि इस आने वाली ईद को भी सादगी से मनाएं और जितना मुमकिन हो सके अपने लिए जो ख़रीद सकते हैं ख़रीद लें जितना मुमकिन हो सके अड़ोस पड़ोस और अपने रिश्तेदारों को भी खुशी में शामिल करें खूस इस पैंडमिक जमाने में हमने मेडिकल लाइन पे भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है अभी भी कर रहे हैं और अब चूँकि रमज़ान का बिल्कुल आखिर वक्त है बहुत बड़ी तादाद की हैामा हमारे दीन की एक शान है और उलमा की कदर करना या हमारे इस्लाम की कदर करना है इसी लिए जमयतलमा ने यह इरादा किया कि उलमा के इक्राम में कुछ रमज़ान की तैयारी के लिए कुछ मालिया का आतिया हो और उनके लिए एक जोड़ कपड़े और इसी तरीके से कुछ रमज़ान के लिए मुनासिब उनके लिए हदिया तैयार करने का इरादा किया है कि तकरीबा हम डेढ़ सौ से ज़्यादा और हफ्फाज के लिए अब तक इंतज़ाम किए हैं और इरादा है कि इन शिस जिस के लिए भी मुमकिन हो सके हम इन हम अपनी ईद में सबको शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अल्लाह का फजल है जिन आ, लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं उनसे भी दुआओं की गुजारिश है और यह जमत की यकशान है कि वह हर उम्मत के मुसीबत को और इंसानियत की मुसीबत को हर वक्त बर वक्त समझती है और उसके लिए कोशिश करती है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस बीमारी को पूरी दुनिया से ख़त्म करे और हमारी इस छोटी सी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फ़रमा ले चूँकि इंसानियत की ख़िदमत करना यह दीन का बहुत बड़ा शेवा है अल्लाह इसके लिए भी हमको कबूल फ़रमा ले आमीन व आलिकम व वर्का